डीडी फ्री डिश के ऊपर अभी आज की डेट में जो चैनल्स जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, एमटीवी बीट्स, मनोरंजन टीवी, ऑस्कर टीवी जो आ रहे हैं वो 29 फरवरी 2020 से आने बंद हो जाने वाले हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की डेट में आपको एबीपी के बहुत सारे चैनल देखने को मिलते हैं, आपको आज तक देखने को मिलता है, एनडीटीवी मिलता है, रिपब्लिक टीवी मिलता है, साथ ही साथ आपको मनोरंजन टीवी मिलता है और भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट के चैनल मिलते हैं। इसके अंदर जो वैलिडिटी पीरियड या कह सकते हैं जो टाइप था इन चैनल्स का डीडी फ्री डिश के साथ, वो था पिछले साल से लेके अभी इस साल के 29 फरवरी 2020 तक। मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप चैनल्स के जो एग्रीमेंट होते हैं वो करते हैं और उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है और उस पेमेंट के बाद वो चैनल तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्रीमेंट डेट था। तो मतलब ये है कि जो पिछली बार एग्रीमेंट MPG2 स्लॉट्स के लिए हुए थे उनका टाइम खत्म होने वाला है 29 फरवरी 2020 को। अब जैसे ही टाइम खत्म होगा उसके बाद इनको फिर से एग्रीमेंट कराना पड़ेगा और एग्रीमेंट कराने के बाद ये दोबारा से वापिस आ सकते हैं। तो आपको यह भी मालूम होगा कि 42nd जो ई ऑक्शन हुआ था जिसके अंदर 8 चैनल आए थे, जिसमें एबीसी का एक चैनल आया था, TV9 भारतवर्ष आया था, एबीपी गंगा आया था, इन सारे चैनल की वैलिडिटी का अगर डेट देखते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, वो आपको दिसंबर से लेके 29 फरवरी 2020 तक रखी गई है। तो प्रूफ ये है कि 2020 29 फरवरी इस डेट के बाद आपको इन चैनल को देखने को नहीं मिलेगा अगर ये अपना जो एग्रीमेंट है उसको आगे नहीं बढ़वाते हैं। 43rd ऑक्शन हुआ, वो हुआ आपका MPG4 स्लॉट्स के लिए, उनके चैनल्स 4 जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन MPG2 के अंदर फिर से ई ऑक्शन होने वाला है जो कि होने वाला है 44th और इसकी डेट है आपको 24 फरवरी 2020। अब 29 फरवरी 2020 तक आपके चैनल चलेंगे, 24 फरवरी को ई ऑक्शन होगा, उसके बाद कुछ समय होता है, कुछ टाइम लगता है चीजों को कंप्लीट करने में और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आपके ऊपर चैनल्स आएंगे वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आने वाले हैं। मतलब कि 31 मार्च 2021 के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म होगी, दोबारा से एग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा। तो इस बार जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एकदम बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के साथ हो रहा है, तो आने वाले समय में इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अभी इस साल आपको कुछ समय के लिए जितने भी चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। मतलब कि कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई आप कह सकते हैं कि ऑल्टरकेशन डीडी फ्री डिश की तरफ से नहीं किया जाता है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं होती है जिससे इनके साथ टाई अप 1 महीने अपने आप ही बढ़ा दिया जाए। मतलब ये कि जो D2H प्लेटफॉर्म पे आप पैसे ज्यादा पे कर रहे थे और आपने डीडी फ्री डिश लगा लिया था कि सारे चैनल तो आप देख ही रहे हो, वहां पे आपको झटका लग गया है और डीडी फ्री डिश के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अभी 1 महीना लगभग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा डीडी के अलावा। डीडी के चैनल MPG2 स्लॉट्स के ऊपर आएंगे, उसके अलावा आपको कोई भी फ्री टू एयर चैनल जो है वो नहीं मिलेगा जब तक कि ये लोग दोबारा से ऑक्शन नहीं करते हैं। अब बात एक और निकल के आती है ये कि अगर ये ऑक्शन कर लेते हैं, सपोज ऑक्शन करने के बाद आपके टीवी के ऊपर आ गया, लेकिन MPG4 स्लॉट में क्या होगा? तो MPG4 स्लॉट के ऊपर जितने भी चैनल्स आ रहे हैं वो आया करेंगे, उसके ऊपर अलग से काम चल रहा है, तो वो जिनके पास सेटअप बॉक्स है तो उनको अपना उसके हिसाब से देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि इनको इंक्रीज करना चाहिए वैलिडिटी को और अपने एग्रीमेंट को 1 महीने से, कि आप लोगों को परेशानी ना हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो जो घंटी का बटन देख रहा है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा कि हमारे टाइम के अंदर कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच तो वीडियो देखने के लिए।